दिनांक 11 नवंबर को शाम 4 बजे के आसपास एक वाकया हुआ जिसमें कि जयपुर मंडल के कनकपुरा और धानक्या के मध्य रेलवे ट्रैक पर एक एसयूवी चालक के द्वारा अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश की गई। उस कोशिश के दौरान एसयूवी गाड़ी जो है वो रेलवे ट्रैक में फंस गई और उधर से जो रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी आ रही थी उसके चालक ने इसको नोटिस किया और सतर्कता दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और स्टेशन स्टाफ वहां पर शीघ्र पहुंचे। इसको देख करके एसयूवी चालक जो है वहां से भागने की कोशिश की और अनियंत्रित तरीके से उसने गाड़ी को वहां से भगाया। कुछ देर जाने के बाद उसने उस गाड़ी को छोड़ दिया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा वो गाड़ी जब्त कर ली गई और रेलवे अधिनियम 147, 153 और 174 के तहत इस पर जो है FIR भी दर्ज कर दी गई है। हमारी पूरी अभी जो है जांच चल रही है और आरोपी की जांच कर ली गई है, पहचान कर ली गई है और शीघ्र ही उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। रेलवे ट्रैक पर इस तरह का स्टंट करना या रील्स बनाना एक दंडनीय अपराध भी है। इसमें सेक्शन 153 के तहत जो है 5 साल का अप टू 5 साल जो है वो सजा भी हो सकती है। साथ ही साथ 143 और 174 के अंतर्गत जुर्माना का भी प्रावधान है और सजा का भी प्रावधान है। कृपया इस तरह के स्टंट ना करें, ना ही रेलवे ट्रैक पर रील बनाने का प्रयास करें। यह ना दंडनीय अपराध तो है ही है, साथ ही साथ आप किसी की जान माल को भी खतरा पहुँचा सकते हैं और रेलवे परिचालन को भी नुकसान पहुँचता है।